हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की चटनी। जी फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और ये खट्टी टेस्ट में जो खट्टी और तीखी होती है, तो अगर हमारे खाने के साथ में अगर कोई सब्ज़ी नहीं हो तो ये हम बना के चावल के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, ओनली रोटी के साथ भी खा सकते हैं। वाकई में ये बहुत टेस्टी बनता है, आप एक बार ट्राई करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं देखने में कितना मतलब अच्छा लग रहा है ये। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी चटनी। आई होप कि आपको भी अच्छी लगेगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है दो टमाटर ले लिया है मीडियम साइज़ का, और इसे मैंने धो ली हूँ, देख सकते हैं इसे आप। और एक कपड़े से मैं जो है इसे अच्छे से पोंछ लूँगी, साफ़ कपड़ा होना चाहिए तो मैं जैसे पोंछ लूँगी। और फ्रेंड्स, मैंने इसे पोंछ लिया है और गैस ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस को कर लिया है ऑन। अब इस पे मैं टमाटर को रख के स्लो स्लो आंच पे भून लूँगी, और इसे मतलब ये खुद ब खुद अपना जो छिलका जो भूनना चाहिए, ऊपर की जो स्किन निकलने लगती है, तो उसे जब तक के भूनना है। तो ऐसे मतलब 5-5 मिनट रख रख के हम देख लेंगे कि 5-6 मिनट के बाद ऊपर नीचे अल्टी पल्टी करते रहेंगे इसे, वरना एक साइड से रहेगा तो जल जाएगा। तो आप देख सकते हो तकरीबन ये 10 या 15 मिनट लगेगा हमें भूनने में अच्छे से। और बिल्कुल, और मैं दो तरीका बताऊंगी। एक जो है डायरेक्ट आप चूल्हे पे रख के भी भून सकते हैं, बट इसमें क्या होता है कि पूरा चूल्हा जो है ख़राब हो जाता है। और अगर आपके पास वो नेट रहता है, जो नेट पे रखते हैं हम लोग, नेट पे रख के अगर हम भूनेंगे तो उतना क्या चूल्हा ख़राब होता ही नहीं है बिल्कुल। और जिसके पास नेट नहीं है वो ये मेथड से मतलब भून सकता है। ज़रूरी तो नहीं हर रोज़ बनाना है, किसी के घर पे नहीं भी होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टमाटर भुनने पे आ गया है, देख रहे हैं कि जो स्किन है उसकी सिकुड़ रही है, और भुनते भुनते ही एक तरफ से उसकी स्किन पूरी निकल गई है। तो आप 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही स्लो आंच पे भून सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यू आप चूल्हे के पास ही खड़े रहें, उसको रख के काम भी दूसरा भी काम कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं बताती हूँ पूरा भून के आपको जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है ये पहला वाला टमाटर भुन गया है। अब मैं दूसरा टमाटर इस पे रख दूँगी भुनने के लिए। तो मेरे पास भी नेट नहीं था, ये मैंने जिससे झारा होता है ना जो फ्राई करने का तेल में, उस पे मैंने दिखाई हूँ आप लोग को भुन के, ताकि आप भी ऐसे भुन सके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जो है ये भी आप जो है आराम से भुन सकते हैं फ्रेंड्स। इस पे आप रख दो और कोई काम कर सकते हैं। और चलिए हम जल्दी से भून के मैं इस पे भी दिखाती हूँ। 15 मिनट तो लग जाएगा भूनने में अपने को। तो चलिए इसे मैं भून के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों टमाटर को भून लिया है, और इसकी जो स्किन है टमाटर की, उसको जो है हाथ से निकाल लेंगे। आप चाहे तो अभी भी धो सकते हैं, इसे धोते में भी निकल जाता है, लेकिन पूरा इसका जो जूस है ना वो निकल जाता है, तो इसलिए हमने पहले ही धो लिए थे, इसे धोने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हाथों की हेल्प से आप इसके स्किन को निकाल सकते हैं। तो और जहाँ पे इसका कड़क हिस्सा होता है, जो उसे छुरी से काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इसे छुरी से काट के निकाल रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जल्दी जल्दी में कोई हिस्सा अच्छे से भून नहीं पाता है, भुना नहीं पाता है, तो इसका कड़क रह जाता है। और दूसरा वाला अच्छा टमाटर भुना था, तो इसमें कोई कड़क हिस्सा नहीं था। तो अब हम इसे छुरी से हल्का हल्का कट लगा देंगे, ताकि मतलब हमें जार में इसे पीसना है तो अच्छे से पीस जाए। तो अब हम इसे डाल देंगे जार में।
मैंने इसे जार में डाल दिया है और जो है इसे बस हल्का सा मिक्सर चलाना है, ज़्यादा देर तक नहीं और कुछ ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है इसे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये टमाटर है वो पिस गया है, मैं से भी चला के इसे दिखा दे रही हूँ आपको। तो बस ऐसे ही हमें पीसना है और जो बाउल में मैंने टमाटर रखी थी वही बाउल में फिर वापस से ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक हरी मिर्ची और 4-5 लहसुन की कलियाँ हैं और थोड़ा सा हरा धनिया है। तो ये सबको बारीक बारीक काट के जो है टमाटर में डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं एक लहसुन के 2 टुकड़े करके और उसमें भी मतलब बारीक बारीक करना है, जितना आपसे बारीक हो सके उतना बारीक कर देना। बस आप देख सकते हैं कि मैंने कितना बारीक कर दिया है लहसुन को, और हरी मिर्ची को भी उतना ही बारीक काटना है और हरा धनिया को भी। तो फ्रेंड्स अब मैंने सारी चीज़ों को मैंने काट के अब ये टमाटर में सबको डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी उसे अच्छे से। आप देख सकते हैं सब मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो फ्रेंड्स अब लास्ट में एक चीज़ और बच गई है, प्याज। तो उसे जो मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था उसे आधा कर किया था और आधा करने के बाद उसमें से भी मैंने आधा कर लिया था और इसे जो है बारीक बारीक काट के डाल देंगे ये भी टमाटर में। तो फ्रेंड्स मैंने इसे जो है बारीक बारीक काट लिया है और अब इसे इसमें डाल देंगे और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। मैंने सारी चीज़ों को डाल लिया है, अब इसे जो है मिक्स कर दूंगी अच्छे से। आप चाहे तो हाथ से भी मिला सकते हैं, हाथ से अच्छे से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप ये चटनी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको ये चटनी कैसी लगी। और फ्रेंड्स आप कमेंट ज़रूर करना क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको कोई चीज़ की रेसिपी चाहिए जो कि क्विक एंड इजी हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।